हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे होंगे तो भी आप मुझसे ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक हाउस प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले तो 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानता हूँ काफ़ी लेट हो गया, आज 5 जनवरी है, लेकिन जब जागो तब सवेरा। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है, ये 2022 की पहली वीडियो है, तो इस वजह से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना हाउस प्लान स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ हाउस प्लान है हमारे पास, आप देख सकते हैं। दीवार या तो 4 इंच की होती है या तो 9 इंच की होती है। जो 4 इंच की दीवार होती है वो प्लस्तर होने के बाद 5 इंच की बन जाती है, और 9 इंच की दीवार आपकी 10 इंच की बन जाती है। बेसिकली जो 4 इंच वाली दीवार है, इसका मतलब 4 इंच की दीवार का मतलब है एक ईंटे की दीवार, मतलब पूरी दीवार एक ईंटे से बनी है। और जो 9 इंच की दीवार है उसका मतलब है 2 ईंटे की दीवार। तो किसी दिन आप अगर कहेंगे तो मैं ईंटों के ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। अभी हम हाउस प्लान पे ही अपने वापस आते हैं। सबसे पहले तो ओपन सिट आउट था जो 8.5x14 का था, यहाँ पर आप कुछ भी पार्क वार्क कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में ओपन बालकनी है जो कि 20x4 का है, और फिर ऐसे एंट्रेंस आप लेंगे सीधा तो यहाँ से आपकी ड्राइंग रूम आएगी जो कि 9.5x11 की है, और फिर यहाँ से आपका एक पूजा स्थल है जो कि 4.5x6 का है। और यहाँ से आप घुसेंगे तो ये हॉल है हमारा, जो कि हॉल हमारे 10.5x16 का है, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी इनफ है। यहाँ पर आप अपनी TV सोफ़ा आराम से सेटल कर सकते हैं। इसी हॉल में एक अटैच हमारा वॉशरूम है, WC, मतलब मैंने आपको समझा दिया वाटर क्लोजेट, तो मतलब वॉशरूम ही आप ये यूज़ करिए। WC मतलब ये वॉशरूम है, तो ये अटैच वॉशरूम है आपका हॉल के बगल में। फिर यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे तो आपको डाइनिंग रूम मिलेगा, जो कि 9.5x12 की जगह हमने डाइनिंग रूम के लिए निकाली है। उसके बगल में एक छोटा सा OTS है जो कि ओपन एरिया है ताकि वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। डाइनिंग रूम के जस्ट बगल में किचन है, जो कि किचन 8.5x10 का है। एक स्टोर रूम है छोटा सा, 8.5x5 का। फिर आपका ये देखेंगे डाइनिंग रूम के एक यहाँ से गेट देखें, ये बेडरूम है हमारा 10.5x10 का, उसके भी साथ हमने OTS दे रखा है। और फिर एक बेडरूम हमारा यहाँ पे है जो कि 10.5x11, मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं। तो एक बेडरूम यहाँ पर है जो कि, और इसके भी पीछे एक छोटा सा OTS आप देना चाहें तो दे दें, वरना डाइनिंग रूम के पीछे वाला जो OTS है वो इनफ है। ज़्यादा OTS भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक यहाँ पे OTS है, एक यहाँ OTS है, और एक इधर भी वेंटिलेशन के लिए है, तो ये इनफ है। तो एक देखेंगे बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम इसमें है, तो इधर भी कोई दिक्कत ना है। और एक आपका जो डाइनिंग रूम और इस बेडरूम, इन दोनों के लिए ये आपका वॉशरूम एक यहाँ पे दे रखा है, मतलब बेसिकली इस बेडरूम का भी एक अटैच वॉशरूम इधर साइड है। एक वॉशरूम ये हो गया, एक वॉशरूम ये हो गया, ये वॉशरूम ये हो गया। 3 वॉशरूम है हमारे पास, 1 और 2 अच्छे खासे बड़े बेडरूम है हमारे पास, एक हॉल है हमारे पास, एक ड्राइंग रूम है, पूजा स्थल भी है, और डाइनिंग रूम भी है, किचन है, स्टोर रूम है, इतना काफ़ी है। और आप देखेंगे तो ओपन सिट आउट एरिया के ही जस्ट पास से ये हमारी स्टेयर्स दे रखी हैं, सीढ़ियाँ दे रखी हैं जो ऊपर जाने के लिए है, और यहाँ से आप ऊपर जाके ये जाएंगे। पूरा ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे तो ऐसे ही हम और भी प्लान्स, हाउस प्लान्स ऐसी और भी मैप लाते रहेंगे। और अगर आप कहेंगे तो हम ईंटों पर भी बताएंगे कि ईंटों कहाँ पर आपको 4 इंच का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर 10 इंच का, 9 इंच का। तो जैसा आप बताएंगे वैसी वीडियोज़ आती रहेंगी। बेसिकली ये 2022 की पहली वीडियो है, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हम होम से रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहते हैं और हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, ये मेरी लाइफ की पहली माई फर्स्ट वॉइस ओवर थी ये वीडियो, तो अगर मेरी वॉइस या फिर कुछ भी गलत मेरे मुँह से निकल गया हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छा इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो ये मेरी लाइफ का माई फर्स्ट वॉइस ओवर था, तो आई होप कि आपको मेरी वॉइस से ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो थैंक यू, और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हम होम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।